विद्यावती सिंह जी, ग्राम प्रधान वार्ड नंबर 6 का जिला का महिला अध्यक्ष बनाई गई हूँ मऊ जिला की। और शिवपाल जी ने मुझको बुलाया तो मऊ का जिला अध्यक्ष सौंपे और जिला के लिए पार्टी के लिए काम करने के लिए और जिला में आपको प्रगति समाजवादी पार्टी लोहिया का जिला अध्यक्ष बना, महिला जिला अध्यक्ष बनाया गया, महिला जिला कैसा महसूस कर रही हैं आप? है कोई बात नहीं है, महिला जिला अध्यक्ष बनाया गया है महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए मैं चलेंगे कदम में कदम मिलाकर और तहसील जाएंगे, कलेक्टर जाएंगे, उनके दुख सुख में शामिल होंगे, पार्टी के लिए मजबूत करेंगे और कमेटी बनाएंगे महिलाओं के लिए, हर ब्लॉक में जाके हर महिलाओं की कमेटी बनाएंगे, जिला अध्यक्ष बनाएंगे और वहाँ से सबको संघर्ष करके सबके साथ रही हूँ और फिर पार्टी के लिए मजबूत करने के लिए महिलाओं के इकट्ठा करूँगी और संघर्ष करती रहूँगी। क्या प्रगति समाजवादी पार्टी लोहिया ने आपको मऊ का जिला अध्यक्ष बनाया है, क्या सोच के बनाया है, किस कैसे? ये सोच के बनाया है कि मैंने पार्टी के लिए हम मजबूत करेंगे और पार्टी के लिए मजबूत करेंगे और महिलाओं के लेके इकट्ठा रहेंगे और पार्टी के लिए मजबूत बनाते रहेंगे, शिवपाल जी के हाथों में मजबूत करेंगे और मेहनत करेंगे। इसके पहले कभी आपने राजनीति की? इसके पहले मैं सपा में थी, सपा में महिला जिला अध्यक्ष थी, जब उसके बाद पार्टी शिवपाल जी का और मुलायम जी का पार्टी बिखर गई, उसके बाद हम सोचते रहे कि किस पार्टी में जाके ज्वाइन करूं। उसके बाद सारे पार्टी के लोग आए और कहे कि शिवपाल जी के साथ आप जुड़िए और जुड़े, मुझको शिवपाल जी ने महिला जिला अध्यक्ष बनाए मऊ के, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाए मऊ के, उसके बाद हमको कारोबार सौंपे। क्या खूबियां मिली इस आपके इस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया में यानी शिवपाल यादव में? वो शिवपाल यादव जी ने पार्टी को बनाया और पार्टी के मुलायम के साथ मजबूत किए और यही मुझको अच्छाई मिला कि शिवपाल जी के साथ रहने में अच्छा है। अगला कदम क्या होगा, आप जैसे आप तहसील स्तर पे क्या नियुक्तियां करेंगे, किस प्रकार करेंगे? तहसील स्तर पर मैं महिलाओं के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या किस प्रकार के जैसे? अरे उसके दुख में, उसके सुख में, उसके साथ कोई अत्याचार होगा, चाहे पुलिस प्रशासन अत्याचार करेगी, चाहे कुछ भी करेगी, उसके लिए मैं तैयार रहूंगी और तैयार रही हूँ। अब तो पार्टी से मजबूत हूँ, शिवपाल जी के साथ हूँ और अच्छा से पार्टी के लिए मजबूती बनाएंगे, औरतों के लिए कमेटी बनाकर मैं अपना कारोबार शुरू करूंगी। कदम से कदम मिला के चलेंगे? हाँ, वो तो कदम से कदम तो मिला के चलती हूँ और उसके बाद फिर मिला के चलूंगी और हर व्यवस्था के लिए उन सबों के लिए तैयार रहूंगी। चलेंगे अपनी महिलाओं को टीम के चुनाव के साथ लेके चलूंगी, अपने पार्टी को मजबूत करूंगी, अपने पार्टी को मजबूत करूंगी और मऊ में दिखाऊंगी कि हमारी पार्टी कैसे चल रही है। चलेगी हमारी पार्टी, शिवपाल जी ने पार्टी को बनाए और शिवपाल जी के जरिए तो अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अगर आती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसे बनाएंगे आप? शिवपाल जी होंगे, शिवपाल जी होंगे हमारे मुख्यमंत्री। जब क्या गठबंधन हो सकता है मुलायम सिंह अखिलेश यादव और इसमें आपके शिवपाल जी? शिवपाल जी ऐसा है कि ये लोग हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बाकी हमको लगता है कि ये लोग हो सकते हैं, लेकिन सरासर इनकार है शिवपाल जी का कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। हमारे शिवपाल जी ने बोल रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इसी बात पे? अगला मुख्यमंत्री किसको आपकी पार्टी में चुना जाएगा? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी ने बताएंगे कि किसको चुना जाएगा।
ये इसके बारे में तो हमारे बड़े लोग बता सकते हैं कैसे चुना जाएगा। ये 2021 का प्रधानी का चुनाव है आने वाला है, क्या आपका पार्टी भी उतरेगी इसमें? तो हमारे जानेंगे ना, हमारे पार्टी के लोग जानेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी जानेंगे। पत्रकार पकड़ लिया, सही है।